अरे वाईटी से नहीं करना था यार तुम। मोहल्ले में बन रहे सारे खाली पीली नेता, तो हमने बिगाड़ा साइड वाली आंटी जी का बेटा। महीने भर में पेड़ डाले 40 GB डेटा, और घर वालों को लगता है लड़का गाली भी नहीं देता। गलत अपने लौंडे, गलत अपने लौंडे, कोई भी हो मैटर हमको सुलटा लेते फोन पे। गलत अपने लौंडे, गलत अपने लौंडे, ऊपर तक के बातचीत रोकेगा कौन। वाइवा और प्रैक्टिकल्स का टाइम पीरियड आ चुका है, जनवरी का महीना चालू हो चुका है। तो ये सीरीज के मैं तुम लोगों को कैसे बताऊंगा कि वाइवा और प्रैक्टिकल्स में अपने 100% अचीव करना है मार्क्स। पहले पार्ट में मुझे तुम्हें ये समझाना जरूरी है कि वो कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन्हें तुम ध्यान रख के वाइवा और में भी प्रैक्टिकल्स का बेस बना सकते हो। जनवरी और फरवरी का महीना, सबसे पहली चीज तो एक मिक्स्ड फीलिंग वाला महीना है। घर वालों की एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर की टेंशन, कॉलेज कौन सा मिलेगा, और कई लोग तो क्लैट वगैरह, ह्यूमैनिटीज वगैरह वालों की बात करूं तो वो तो क्लैट वगैरह में भी अपने बिजी है। लाइफ में बहुत कुछ चलेगा ये कुछ महीने, ये आने वाले कुछ महीने, या जो शुरू ही हो चुका है। यहां पर जो मैटर करेगा वो है तुम्हारे माइंडसेट की क्लियरिटी, जो बिलीव मी जनवरी और फरवरी के मंथ में अचीव कर पाना बहुत मुश्किल है। एक बार बोर्ड एग्जाम्स चालू हो जाए ना, उसके बाद वो इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं होता है। प्रॉब्लमैटिक कब है? जब उससे पहले जो टेंशन बिल्डअप होता रहता है, जब कुछ नहीं है, हमें सिर्फ खुद से पढ़ाई करनी है। तो आज मैं वाइवा और प्रैक्टिकल्स का तुम्हें पहला फंडा सिखाने आया हूं कि कैसे तुम 100 मार्क्स अचीव कर सकते हो, यानी 100% मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो उसकी थोड़ी सी जड़ी बूटी जरा मेरे से भी ले लो। सबसे पहली चीज मैटर करेगी कि तुम कितने अच्छे तरीके से वेल ड्रेस्ड अप होके जाते हो, वेल सूट अप होके जाते हो, रेडी होके जाते हो, नहा धो के जाते हो। बिकॉज फ्रेशन अप होना, माइंड को फ्री रखना बहुत जरूरी है। ये तुम भी जानते हो कि तुम बहुत मेहनत करोगे यार, बहुत मेहनत करोगे वाइवा प्रैक्टिकल्स के लिए। एक रात पहले तक लगे रहोगे पागलों की तरह, दिन दिन रात रात, मतलब सर पकड़ के बैठ जाओगे, यार मैंने कितना सारा कितना कुछ किया है। लेकिन वो मैटर तभी करेगा जब तुम उस करेंट डे में बिल्कुल फ्रेशन अप फील करोगे। कुछ नहीं करना है, सुबह उठ के एक अच्छी सी बात लेनी है जिस दिन वाइवा देने जा रहे हैं, बढ़िया घर वालों से एक बार अच्छे से हंस के बात करनी है, आधा मोटिवेशन तुम्हें वहीं से मिल जाएगा, मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर तुम वो जो फ्रेशन अप फील करोगे उसके थ्रू तुम्हारा वाइवा बहुत अच्छा जाएगा। बोला जाता है किसी भी चीज को अगर तैयारी के साथ करो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस उस लेवल तक बूस्ट हो जाता है जहां पे तुम्हें कुछ छोटी छोटी चीजों के लिए सोचना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस उसको ओवरकम कर लेता है। तो आज का पहला वाइवा से रिलेटेड जो मोरल बूस्ट अप मोटिवेशनल वीडियो जो तुम बोल लो, वो सिर्फ यही है कि बस तैयारी ऐसी करो हर एस्पेक्ट में। पढ़ाई की बात तो आज मैंने करी नहीं ना यार, मैंने तो सिर्फ बात की कि हर एस्पेक्ट में खुद को इतना अच्छा तैयार कर लो। 2 दिन पहले जाओ, बढ़िया एक हेयर कट लो, फील करो, थोड़ा सा घूमो फिरो, 2-3 दिन पहले नाइट वॉक ले लो, 10-15 मिनट की सही, अच्छा लगेगा। शाम को इवनिंग वॉक ले लो, नाइट वॉक नहीं ले सकते तो, लेकिन अच्छा फील करो। जब अंदर से अच्छा फील करते तो कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। अभी जो टेंशन भर के रखा है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, मैं समझता हूं, और जेन्युइन भी है, लेकिन थोड़ा सा लाइट हो जाना अपने वाइवा से या अपने प्रैक्टिकल से 1-2 दिन पहले। अच्छा फील करना, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाना, बॉडी पोस्चर वगैरह बिल्कुल चौड़ा, छाती चौड़ी करके जाना, अच्छा लगेगा। और जब तुम वाइवा देने बैठोगे तब मजा ही अलग होगा। स्माइलिंग फेस होना चाहिए कुछ भी हो जाए, ये चीज कभी नहीं जानी चाहिए। खराब जाए अच्छा जाए बात की बात है, कॉन्फिडेंस में वो स्माइलिंग फेस दिखना चाहिए। दुनिया हर चीज अच्छी देखना चाहती है। अगर तुम फेस, गेटअप, तरीके से नहीं लेके जाओगे, सामने वाला वैसे ही तुम्हें पकड़ के, समझ गए ना, खींच डालेगा, और वो तुम नहीं चाहते हो। तो आज की सीख सिर्फ इतनी थी, बी कॉन्फिडेंट, बी जेन्युइन, फ्रेशन अप होके जाओ, मोटिवेट होके जाओ, अच्छे से जाओ, और वाइवा कॉन्फिडेंस के साथ दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा कि वाइवा को कैसे अटेम्प्ट करना है। तब तक के लिए दिस इज आशीष चौधरी साइनिंग ऑफ, धन्यवाद। शक्ल पे अपनी दिखता नहीं, छह टेंशन नाचे सर पर, मजा नहीं आता तब तक जब तक करना दे कुछ गड़बड़। भाई तेरे ने गाड़ी ली है घर वालों से लड़कर, बेस क्यूब एम्पलीफायर शीशे करे भर भर। मोहल्ले में बन रहे सारे खाली पीली नेता, तो हमने बिगाड़ा साइड वाली आंटी।